दोस्तों देखिए, हम सब जानते हैं कि YouTube पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप साइड बाय साइड एक और प्लेटफॉर्म साथ लेकर के जरूर चलिए। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ Facebook की। आप Facebook पेज अपना बना सकते हैं और Facebook पेज पर बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना अपना खुद का कंटेंट क्रिएट किए, आप जल्दी से वहां पर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों आप Facebook पेज पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं सिर्फ मूवी क्लिप्स को अपलोड करके। तो आपने वहां पर देखा होगा Facebook पेज पर लोग 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट इस तरीके से मूवी क्लिप्स को अपलोड करते हैं। लेकिन मूवी क्लिप्स को ऐसे ही नहीं अपलोड करना होता है, उसके लिए भी एक सही प्रोसेस होता है, सही तरीका होता है, जिससे कि वहां पर कॉपीराइट नहीं आता है। तो सही तरीका क्या है मूवी क्लिप्स को अपलोड करने का, यही मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें कि आपको मूवी क्लिप्स कहां से डाउनलोड करनी है, किस तरह से डाउनलोड करनी है और फिर आपको उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, जिससे कि आप फेसबुक पेज पर जब अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको किसी भी कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों आप यहां पर साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग 2 मिनट 4 मिनट की मूवी क्लिप्स को अपलोड करके फेसबुक पेज पर अच्छा खासा ग्रो करते हैं, काफी कम टाइम में बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स बना लेते हैं। आप भी इस तरीके से मूवी क्लिप को अपलोड करके फेसबुक पेज से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए चलते मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। और वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप फेसबुक पेज पर जो मूवी की क्लिप अपलोड करेंगे उसको आपको यूट्यूब से ही लेना है, यानी कि आपको यूट्यूब से ही उसको डाउनलोड करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है, जैसे अगर आप साउथ की करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साउथ इंडियन मूवीज़ इन हिंदी ऐसे करके डाल सकते हैं। आप जिस भी तरह की मूवी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे बॉलीवुड की करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बॉलीवुड मूवी सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर साउथ इंडियन मूवी डब्ड इन हिंदी ऐसे करके यहाँ पर सर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी मूवीज़ आ जाती हैं, देखिए कोई 2 साल पहले की है, कोई 7 घंटे पहले की है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वो मूवीज यहाँ पर डाउनलोड करनी है जो मूवीज आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जिनको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिन एक्टर एक्ट्रेसेस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उस तरह की मूवीज आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है। उससे पहले आपको यहाँ पर एक सेटिंग और कर लेनी है। देखिए आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाकर सर्च फिल्टर इस पर करना है और यहाँ पर एनी टाइम जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टूडे पे सेलेक्ट कर लेना है, इसको अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सेटिंग कर लेने के बाद आपके सामने वो मूवीज आ जाती हैं जो आज ही अपलोड करी गई हैं, जो रिसेंटली अपलोड करी गई हैं 1-2 घंटे पहले। तो आपको उन्हीं मूवीज को यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड करना है, क्योंकि इन मूवीज पर कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो मूवीज जैसे पहले की होती हैं, पुरानी होती हैं, उन पर कॉपीराइट आने का थोड़ा सा खतरा होता है। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर जो भी मूवीज पसंद हो, जैसे देखिए ये अल्लू अर्जुन और अनुष्का शेट्टी की है, तो आपको जो भी पसंद हो वो आपको यहाँ से लिंक कॉपी करके उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेना है आपको, और डाउनलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं और आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको डाउनलोड करने के बाद में एडिटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको चलना है काइनमास्टर एप्लीकेशन पे। तो मैं यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करूँगी एडिट करने के लिए। अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब आपको देखिए यहाँ पर 1:1 रेशियो सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसी रेशियो में वहाँ पर फेसबुक पेज पर मूवीज़ अपलोड की जाती हैं। अब आपने जो मूवी वहाँ से डाउनलोड करी है, यूट्यूब से आपने जो भी मूवी डाउनलोड की है, उसको आपको यहाँ से ले लेना है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए अभी 36 सेकंड की क्लिप ली है, आप वहाँ पर अपलोड करेंगे तो आप वहाँ पर 4-5 मिनट तक की मूवी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्लिप हमने ले ली है, अभी देखिए ये फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही है, ऊपर और नीचे काफ़ी बड़ी बड़ी सी काली पट्टी जैसी दिख रही है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है जूम कर लेंगे जिससे ये अच्छे से दिखे। तो उसके लिए आपको इस क्लिप पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो ये बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, जूम वाला, पैन एंड जूम, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अंगूठे की हेल्प से यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, ठीक है। अब ये पूरी मूवी इसी तरीके से पूरी मूवी में जूम करके रहे, उसके लिए आपको यहाँ पर बराबर वाले निशान पर क्लिक करना है, तो पूरी मूवी ये इसी तरीके से जूम होकर के रहेगी, ठीक है। अब इसको कर देंगे यहाँ पर ओके। अब देखिए दोस्तों अब ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है, अब ये सही लग रहा है। अब इस क्लिप में आप चाहें तो बीच में कोई मीम वगैरह अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बीच में एक स्प्लिट मार देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है। अब आप यहाँ पर अगर मीम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक मीम ऐड करके दिखा देती हूँ। तो उसके लिए आपको मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और जो भी मीम आप ऐड करना चाहते हैं उसको सिंपली यहाँ से आपको ले लेना है। जैसे मैं ये वाला एक ले रही हूँ, इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बीच में एक मीम यहाँ पर ऐड हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इतना कर लेने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर और नीचे कुछ काली कलर की पट्टी जैसी दिख रही है अभी, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड
एड कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है कि ये मूवी किसकी है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर ये अक्षय कुमार की मूवी थी, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी अक्षय कुमार मूवी बेस्ट सीन्स। दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने के साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर कुछ इमोजी वगैरह भी ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि ये देखने में और ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पर ये आ गया है। अब आप इस टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर AA वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये रोबोट ब्लैक वाला ले लिया, इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन अभी देखिए इसका कलर कुछ खास नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे। तो वाइट की जगह हम यहाँ पर कर लेंगे, इसका कलर रख लेंगे हम येलो। ठीक है, येलो कलर का हम इसको रख देंगे। देखिए अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए नीचे भी इसी तरीके से काली पट्टी दिख रही है, तो वहाँ पर भी आपको सेम टेक्स्ट ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो आपको 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ से हम कर लेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट होकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है। अब जो हमने यहाँ पर ये डुप्लीकेट किया है ना टेक्स्ट, इसको उठा करके हम यहाँ पर नीचे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आप इसको आराम से ईजिली अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।